निर्भया केस में गृह मंत्रालय ने दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी। दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। दरअसल एक सवाल जो पिछले कई दिनों से पूरे देश के जहन में घूम रहा है वो ये कि आखिर निर्भया के दोषियों को फांसी कब होगी। हैरत की बात है कि सवाल तब भी कायम है जब कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा मुकर्रर कर दी, इस पर मोहर लगा दी। दोषियों के पास अभी भी कानूनी उपचार बचे हुए हैं, यही वजह है कि दोषियों की फांसी का फंदा उलझा हुआ है। दूसरी तरफ निर्भया की मां ने भी आरोप लगाया है कि दोषियों के पास हजार विकल्प मौजूद हैं और सजा जो है सालों से 2012 से वो भुगत रही हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर निर्भया कांड से जुड़ी हुई। निर्भया के दोषी की दया याचिका खारिज हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज हुई, राष्ट्रपति ने खारिज की मुकेश की दया याचिका। दोषी मुकेश की फांसी का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोषी मुकेश की फांसी का रास्ता साफ इसलिए हो गया क्योंकि दया याचिका खारिज हुई है। निर्भया के दोषी की दया याचिका खारिज हुई, दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से राष्ट्रपति ने खारिज की मुकेश की दया याचिका। अमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट उनसे लेते हैं। अमित, दया याचिका खारिज हुई है यानी कि फांसी के फंदे तक अब पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मुकेश ने जो दया याचिका डाली थी वो सूत्र हमारे बता रहे कि राष्ट्रपति की तरफ से भी खारिज हो चुकी है, क्योंकि कल जिस तरह से इसे लेके बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए थे, फिर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया था कि देरी कौन कर रहा है, ये हर कोई देख रहा है, तो बीजेपी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज हो गई है, तो जाहिर तौर पर अदालत के लिए रास्ता साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जिस तरह से अब मामला भी पटियाला हाउस कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा और इसे लेके खासतौर दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन दोनों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है इस केस को लेके, और उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा, क्योंकि कल जिस तरह से सजा को बढ़ाने की बात हुई थी जिसे लेके कोर्ट ने इनकार कर दिया था। जी अमित, जो डेट पहले तय हुई थी, जो तारीख तय की थी कोर्ट ने फांसी की, क्या उसी के आसपास सजा होगी या फिर और ज्यादा ये मामला खींचने वाला है? क्योंकि अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, एक रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी फांसी हो नहीं सकती। देखिए, कानून की जानकारों को माने तो 22 को फांसी नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा कारण कि अगर कोई भी दया याचिका खारिज होती है तो उसके बाद भी 14 दिन का वक्त दिया जाता है, और अभी जिस तरह से इन आरोपियों ने हथकंडे अपना रखे, क्योंकि सिर्फ मुकेश की तरफ से राष्ट्रपति को दया याचिका डाली गई थी, बाकी तीनों आरोपियों की तरफ से नहीं डाली गई। हो सकता है कि इन तीन में से भी एक एक करके आरोपी इस दया याचिका को इस तरह से डाले। दूसरी बड़ी चीज की पटियाला हाउस कोर्ट जिस चीज को लेकर सुनवाई कर रहा है, वहां भी ये इस बात को कहा गया था कि इस सजा को आगे बढ़ाया जाए, हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा को आगे नहीं बढ़ाया, हाई कोर्ट ने भी नहीं बढ़ाया था, और उन्होंने निचली अदालत जाने की बात कही थी, जिसके बाद केस दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट में गया, और आज जब जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार की विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा कि 22 के बाद आखिर कौन सा वक्त दिया जाए और इस सजा को कितना नहीं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जानकारों का कहना है कि 22 तारीख को फांसी नहीं हो सकती। जी, नजर बनाए रखिएगा अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर निर्भया कांड से जुड़ी हुई, दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं राष्ट्रपति ने खारिज की मुकेश की दया याचिका। दोषी मुकेश की फांसी का रास्ता साफ हुआ है, वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन फांसी के तख्त पर निर्भया के गुनहगार होंगे।